यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहां की पावन भूमि वनों समुद्रों रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में ना जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग स्वागत करता हूं आप सभी का भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पर। साथियों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अनछुए और अनदेखे पर्यटक स्थल पर जिसे देख आप अपनी विरासत पर गौरवान्वित हो उठेंगे। आज हम आपको ले जा रहे हैं नाला चट्टी, जो राजा नल की तपोस्थली है। साथ ही हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जहां आज भी पांडवों के अस्त्र शस्त्र देखे जा सकते हैं। हम आपको दर्शन कराएंगे अति दुर्लभ शक्ति स्वरूप के। हम नजर डालेंगे वहां के स्थापत्य पर, तो अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधकर आप सभी तैयार हो जाइए हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए। बारिश हो रही है और बादलों के बीच से झांकता सूरज बहुत सुंदर लग रहा है। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे स्थान पर चलने से पहले आप अपनी गाड़ी को ठीक से चेक करा लें और स्टेपनी वगैरह अवश्य साथ लेकर चलें। हमारे बगल में बह रही है पावन नदी गंगा। साथियों, सड़क काफी फिसलनी हो रही है, पहाड़ों से बहकर पानी सड़क पर आ गया है। हमें यहाँ ध्यान पूर्वक चलना होगा क्योंकि एक तो सड़क पर पानी है और दूसरा सड़क के किनारे रेलिंग भी नहीं है। ऐसे रास्तों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। साथियों, सड़क काफी घुमावदार है। ऐसे बेंड्स को हम हेयर पिन बेंड्स कहते हैं। दोस्तों, ये ब्लाइंड टर्न्स हैं, अर्थात सामने से आते हुए वाहन को हम नहीं देख सकते, इसीलिए ऐसे रास्तों पर हॉर्न का प्रयोग करें और गाड़ी की गति को धीमा रखें। बहुत ही शानदार दृश्य है ये। ऊंची पहाड़ियों पर इतनी चौड़ी नदी को देख पाना अक्सर काफी दुर्लभ होता है। तो लीजिए, हम पहुंच गए हमारे गंतव्य नाला चट्टी पर। इस मंदिर समूह के कुछ मंदिर आज से 900 वर्ष पूर्व ललिता माई के नाम पर किसी व्यक्ति ने निर्मित करवाए थे। पहाड़ों की गोद में बसे हुए मंदिर को देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, पीछे हिमालय अद्भुत लग रहे हैं। मंदिर तक जाने के लिए करीब 100 मीटर का ट्रैक है और मंदिर काफी नीचे बसा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यह एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट यानी कि एक संरक्षित इमारत है। तो चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिर के स्थापत्य पर। यहाँ हम देख रहे हैं मंदिर के ऊपर स्थित चक्रनुमा आकृति, जिसे अमलका कहते हैं, जो हिंदू स्थापत्य का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, यह अमलका एक आंवले के गोलाव में स्थित पूर्णता का प्रतिबिंब है। साथ ही साथ दाईं ओर स्थित शिखर की चोटी पर पहाड़ी स्थापत्य के अंश देखे जा सकते हैं। अब नजर डालिए इस छोटे स्तूप पर, जो यहाँ परिसर में ही स्थित है। यहाँ हम बौद्ध स्थापत्य को साफ साफ देख रहे हैं, जो हिंदू स्थापत्य से बिल्कुल भिन्न है। तो इस प्रकार नाला चट्टी हमारी सुंदर संस्कृति का एक बहुत ही अलौकिक उदाहरण है, जहाँ हिंदू व बौद्ध दोनों ही धर्मों की स्थापत्य शैलियों की झलक दिखाई देती है। इस स्थान नाला चट्टी का नाम राजा नल के नाम पर पड़ा। राजा नल निषाद साम्राज्य के महान शासक थे, जिन्हें नल चक्रवर्ती भी कहा जाता था। उनका विवाह हुआ था विदर्भ साम्राज्य की राजकुमारी दमयंती से। कालांतर में जुए में अपना राज्य हारने पर नल और दमयंती को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। 12 वर्षों के पश्चात राजा नल ने अपना राज्य दोबारा प्राप्त किया। जब उन्होंने अपने गुरु जिनभद्र से इस 12 साल की व्यथा का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके पिछले जन्म के दुष्कर्मों के कारण उन्हें यह व्यथा भोगनी पड़ी थी। गुरु के वचन को सुन उन दोनों का मन भौतिक संसार से उचट गया और अपने पुत्र पुष्पल को राजगद्दी सौंप वे तपस्या हेतु निकल गए। फिर उनका आगमन यहाँ नाला चट्टी में हुआ, जहाँ हिमालय की गोद में उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की। बाद में इसी स्थान पर राजा नल ने समाधि ली और मान्यताओं के अनुसार यही वह स्तूप है जहाँ उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से कि पहले यहाँ पे एक चट्टी हुआ करती थी। नाला चट्टी, ये नाला चट्टी के नाम से प्रमुख है। ये नल राजा के नाम से नाला चट्टी, इसलिए नल राजा के नाम से। यहाँ पे उनकी जो भगवती थी ना, ये त्रिपुरा सुंदरी होने की भगवती थी, उनकी कुलदेवी थी, कुलदेवी थी। हाँ, तो यहीं पे उन्होंने तपस्या की, तो यहीं पे उन्होंने अपनी भगवती का आराधना की थी। अच्छा,
तो उन्होंने उसकी आराधना करके यहाँ पे वो भगवती ने उनको यहाँ पे साक्षात दर्शन दिया था त्रिपुरा सुंदरी ने। अच्छा, तो फिर उन्होंने यहीं पे उनकी स्थापना करके यहीं जब वो खत्म हुए थे तो ये उनकी समाधि है। और यहीं ऊपर नलेश्वर है, शिव जी का मंदिर है। अच्छा, तो वो भी उन्हीं की तपस्थली है। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की थी। अच्छा, तो उनका नाम भी वहाँ पे नलेश्वर है। अच्छा, नल के साथ जुड़ दिया, मतलब नलेश्वर हो गया, नल के ईश्वर हो गए। जी हाँ। तो चलिए इस स्थान को थोड़ा और करीब से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक अति प्राचीन शिवलिंग। इसका रूप अंडाकार है, जो ईश्वर के आदि व अनंत होने का सूचक है। इसलिए इस लिंग का कोई छोर नहीं है। इस आकार के शिवलिंग वाकई अति दुर्लभ हैं दोस्तों। प्रवेश करते हैं यहाँ के शिव सती मंदिर में। मंदिर में गर्भगृह में स्थित है महादेव और माँ सती की मूर्तियाँ। दोस्तों, हमारी इस प्राचीन व अत्यंत मनोहारी विरासत के नाम भारत दर्शन का संदेश। नाला चट्टी जैसे कई प्राचीन स्थानों पर अति प्राचीन पेंटिंग्स, म्यूरल्स और दीवारों पर की गई कलाकारी पाई जाती है, जिन्हें फ्रेस्कोज कहते हैं। दोस्तों, ये कई हजार वर्षों पुरानी भी होती हैं और अत्यधिक प्रकाश पड़ने पर इनका रंग खराब हो जाता है। कैमरे के फ्लैश के प्रकाश से इन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। हमें भी अपनी समृद्ध विरासत और हेरिटेज के प्रति जिम्मेदार होते हुए सदैव इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपनी इस विरासत का आनंद ले सकें। तो साथियों, हमारी भारत दर्शन की टीम यही संदेश देते हुए यहां अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद प्रकाश का ही उपयोग कर रही है। आपको ठीक से दिखाने के लिए कैमरे को नाइट विजन में टर्न करता हूँ। हम देख सकते हैं भगवान शिव और देवी सती की अति प्राचीन प्रतिमाएं। दोस्तों, शिव सती के इस सुंदर मंदिर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए इसके बारे में पंडित जी से सुनते हैं। यहाँ पे जो है, जब भोलेनाथ केदारनाथ को जाते हैं ना जी, तो यही एक मंदिर है कि यहाँ पे वो रुकते हैं। जब शंकर भगवान की डोली जाती है तो एक यही मंदिर यहाँ पे ऐसा है कि जो शंकर जब मंदिर बहुत है, यही मंदिर है, यहाँ पे रुकते हैं वो। अच्छा, और यहाँ पे कर देते हैं वो, तब जाते हैं ऊपर और नीचे आते समय भी यहाँ पे वो कर देते हैं। उसके बाद वो जो है ओंकारेश्वर मंदिर में मुख्य मठ में रहते हैं। साथियों, शिव सती के इस मंदिर की एक अति विशिष्ट विशेषता है। मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात पांडव यहाँ से ही केदारनाथ की ओर आगे बढ़ गए थे। मार्ग में उन्होंने कई जगह अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग किया। यहाँ इस मंदिर में भी कई अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं, जो विद्वानों के अनुसार महाभारत काल के हैं। वाकई दोस्तों, कितनी अद्भुत है ना ये बात। तो चलिए करीब से देखते हैं इन अस्त्र शस्त्रों को। के हथियार हैं ये पांडव। यहाँ पे जब पांडव नृत्य होता है जी जी, तो ये पांडवों के पांडव नृत्य होता है यहाँ पे। अच्छा, पारंपरिक नृत्य होता होगा यहाँ। हाँ, यहाँ पे क्योंकि पांडवों को यहाँ पे वो किया जाता है। अच्छा, पूजा की जाती है। जी हाँ, पांडवों की पूजा की, क्योंकि यहाँ पे जो पांडव लोग आए थे तो केदारनाथ गए थे। जी 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 जी। महाभारत युद्ध में पांडवों और कौरवों को कई दिव्य अस्त्रों से युद्ध करते हुए चित्रित किया गया है। ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, चक्र आदि ऐसे कई दिव्य अस्त्र थे जिनका प्रभाव भयंकर व सर्व विनाशक था। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि यह अस्त्र उस समय के परमाणु अस्त्र थे, जो अत्यंत विस्फोटक थे। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व परमाणु ऊर्जा का प्रयोग उस समय के उन्नत विज्ञान का सूचक है। देखिए मित्रों, यहाँ पाए जाने वाले कुछ शस्त्रों का रूप तो पुराणों में बताए हुए वज्रों व गदाओं से काफी मिलता जुलता है। अद्भुत। अब हम आगे बढ़ते हैं इस मंदिर समूह के अगले मंदिर की ओर, जो कि एक प्राचीन शिवालय है और जिसकी इस क्षेत्र में बहुत मान्यता है। हिंदू व बौद्ध स्थापत्य दोनों के मिले जुले रूप में निर्मित इस शिवालय का बाहरी स्थापत्य अनूठा है। देखिए, यहाँ शिवलिंग का स्वरूप पहले से बिल्कुल भिन्न है। शिवलिंग पर अर्पित पुष्प व अक्षत सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ मंदिरों का एक समूह है और प्रमुख मंदिर के चारों ओर कई छोटे बड़े मंदिर व मूर्तियाँ स्थापित हैं। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों पर अत्यधिक भूकंपों के कारण कई मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए। मित्रों, नाला चट्टी की एक ऐसी विशेषता है जो इस पौराणिक स्थान को सबसे अलग बनाती है, और वह है यहाँ स्थित प्राचीन शक्ति स्वरूप। दोस्तों, शिवलिंग ईश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त निराकार चेतना का सूचक है। ठीक उसी प्रकार शक्ति स्वरूप ईश्वर की असीमित ऊर्जा के बोधक होते हैं। यह सप्राण ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही दोनों पुरुष व प्रकृति के मिलन से सृजन को दर्शाते हैं। और जबकि शिवलिंग काफी पौराणिक व धार्मिक स्थलों पर देखे जा सकते हैं, परंतु इस तरह के शक्ति स्वरूप अत्यंत दुर्लभ होते हैं। दोस्तों,
ऐसे ही एक शक्ति स्वरूप की उपस्थिति नाला चट्टी को एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक क्षेत्र बनाती है। मित्रों, नाला चट्टी महाभारत काल के एक और घटना चक्र का साक्षी रहा है। महाभारत में बताया गया है कि किस प्रकार अर्जुन के पोते तथा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी हुए। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गए, तब अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल होने पर उन्होंने ऋषि शमीक से सहायता मांगी, परंतु घोर तपस्या में लीन होने के कारण ऋषि शमीक कुछ भी ना बोल सके। तब क्रोधवश राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि शमीक के कंधे पर डाल दिया। बाद में जब शमीक पुत्र ऋषि श्रृंगी को अपने पिता के अपमान का पता चला, तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर अंदर जहरीले सर्प द्वारा काटे जाने पर मृत्यु होने का श्राप दे दिया। नाला चट्टी में ही राजा परीक्षित ने सुरक्षा हेतु सर्पादि होम का संचालन करवाया था। वह स्थान जहाँ इस होम का संचालन हुआ था, यहाँ आज भी देखा जा सकता है। उसमें राजा परीक्षित ने जो यज्ञ किया था सर्पादि होम, तो वही है ये। अच्छा, हम देख रहे हैं वो हवन कुंड जहाँ राजा परीक्षित ने सर्पादि होम करवाया था। यह प्राचीन स्तंभ उसी स्थान को चिन्हित कर रहा है। मित्रों, माँ त्रिपुर सुंदरी के प्रमुख मंदिर की बाहरी पत्थर की दीवार पर कुछ ऐसी प्राचीन लिखावटें भी मिली हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों के अनुसार अब तक कोई भी समझ नहीं पाया है। यहाँ गणेश जी की पत्थर पर उकेरी हुई प्रतिमा के ऊपर हम वही लिखावट देख रहे हैं, जिसकी अक्षर संरचना नागरी लिपि जैसी ही है। नागरी लिपि सुप्रसिद्ध देवनागरी लिपि से भी प्राचीन है, जो लगभग 10वीं शताब्दी से प्रचलन में है। संभवतः यह कोई मंत्र है या मंदिर के निर्माण संबंधी सूचना। खैर, जो भी हो, ना जाने यह प्राचीन लिखावटें अपने भीतर क्या रहस्य छिपाए बैठी हैं। दोस्तों, आज नाला चट्टी में हमने महाभारत काल के कई स्थल देखे, जो वाकई में हमारी अद्भुत प्राचीन समृद्ध संस्कृति के अतुलनीय उदाहरण हैं। साथियों, भारत दर्शन पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। यदि आप ऐसे ही किसी अनछुए अनएक्सप्लोर्ड जगह को देखने के इच्छुक हैं, तो हमें लिख भेजिए। आज की इस रोमांचक व शानदार यात्रा को यही विराम देते हैं। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपको लिए चलूंगा ऐसे ही एक और यादगार सफर पर। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए, स्वस्थ रहिए और भारत दर्शन करते रहिए।